टोमेटो बॉलबटी ना टोमेटो इटा के डबल अंडे का ऑमलेट। ये मैं खुशी थी क्या मम्मी पहले के जमा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिशुपा पौर्णाज ब्लॉग। और मैं पौर्णा अभी मैं करूंगी ब्रेकफास्ट डेली की तरह, मतलब डेली ब्रेकफास्ट के टाइम में ही आती हूँ मैं। और पता है आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूंगी? मम्मी पापा तो कल चले गए हैं तो सबको रोटी बना के दे दिया मैंने, लेकिन मैं क्या करूंगी पता है? मैं कल जो पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी वो देखिए, और खिचड़ी उस दिन जो बना था सरस्वती पूजा के दिन, वो वाला खिचड़ी खाएंगे आज हम। मतलब बना था सैटरडे को और थोड़ा सा बच गया था और उसको जो है आज हम खाएंगे, क्योंकि मुझे जो है खिचड़ी बहुत पसंद है। और ये जो मतलब ये देखिए ना, ये खिचड़ी जो है ना थोड़ा येलो कम तेल कम वाला बनता है ना भोग का खिचड़ी, तो वैसा वाला है। पापा ने बनाया था, बहुत अच्छा बना था, तो अभी हम खाएंगे उसको। और हम जो है ना चम्मच से नहीं खाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि ये वाला खिचड़ी ना चम्मच से खाने का मजा नहीं आता, इसको ना हाथ से खाने का मजा आता है। तो हम हाथ से खाएंगे। और मम्मी पापा जो है अभी तक पहुंचे नहीं है घर, क्योंकि मतलब पहुंच जाएंगे 12:30 बजे, राइट टाइम है ट्रेन का, मतलब टाइमिंग ही ऐसा है। और घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रेन है ना इसका स्टेशन जो है थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। अच्छा, नॉर्मल जो स्टेशन है मेरे घर के नज़दीक है, लेकिन पर्टिकुलर इस वाले ट्रेन का जो स्टेशन है थोड़ा सा 5 किलोमीटर का दूर है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, पहुँचेंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हम कि मम्मी पापा पहुँच गए हैं इस टाइम को। तो अभी हम खा लेते हैं, उधर सास भी खा रही है, रोटी खा रही है सास। तो बेटी का भी हो गया, हस्बैंड अब बहुत जल्दी ऑफिस चले गए, क्योंकि हस्बैंड जो है कार लेके गए हैं और वो कार में उतना हैबिचुएट नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है वो थोड़ा जल्दी निकल गए, आज 9 बजे निकल गए। फटाफट मैं खा लूँ। Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe the scene to whisper. Second poetry. Guys, मेरा breakfast खत्म हो गया, और breakfast खत्म होने के बाद मैंने इतना सारा बर्तन धोया, देखिए। हाँ, मेरा सिंक जो है ना इतना बड़ा सिंक पूरा भरा पड़ा हुआ था बर्तन से, तो उसको हमको धोना पड़ा क्या मतलब, सास बोल रही थी वही धो देंगे, तो मैंने कहा नहीं, मेरा अभी उतना काम नहीं है, क्योंकि खाना मेरा आज नहीं बनेगा। चावल बन चुका है और उतना कुछ भी नहीं बनेगा खाने में, क्योंकि आज एक तो मम्मी बना के गई है और दूसरा जो है मतलब वो सब भी नहीं खाएंगे हम जो है वो खाएंगे मतलब एकदम बॉयल सा ऐसे दाल को बॉयल करेंगे, आलू को बॉयल करेंगे, उसके साथ कुछ मतलब दे के खा लेंगे हम दोपहर को, रात का फिर बाद में सोचेंगे। तो इस वजह से जो है हम अभी काम नहीं है, तो मैंने सास को बोला कि मैं बर्तन धो देती हूँ, और सास भी बर्तन धो रही है, लेकिन सास जो है वो भगवान के बर्तन, क्योंकि पूजा हुआ परसों मेरे घर, तो पूजा होने से थोड़ा बहुत बर्तन हो ही जाता है, तो उसको जो है सास धो रहे हैं। और इधर थोड़ा सा दूध है उसको हम उबाल रहे हैं, इसको हम उबाल के बिल्कुल इतना सा कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही पड़ा हुआ है दूध, तो मैंने सोचा कुछ बनाते हैं देखते हैं। तो अभी फिर से ठंड लग रही है मुझे, चद्दर। आप लोग भी सोचेंगे कि क्या ये जो औरत है हमेशा एक ही चद्दर में आ जाती है, लेकिन वो इसको देखिए सो रहा था, अभी आ जाएगा, मैं आ गई ना। हाँ, एक ही चद्दर लेते हैं हम सब, आ गया, रुकिए इसको ले लेते हैं। जहाँ मैं बर्तन धो रही थी ना उसी के पास में सो रहा था, जैसे ही मैं आया किचन से आया इसको भी आना है, मतलब मेरी मम्मी पापा भी बोलते हैं उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको बस एक इंसान से मतलब है, मतलब मुझसे, कौन कहाँ आए जाए कुछ किसी से मतलब नहीं, मम्मी कहाँ जा रही है आ रही है,
मतलब कल ट्रेन से मम्मी पापा को छोड़ के आए ना हम, तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि घर पहुंचने के बाद तुम फोन कर देना। तो मैं क्या है गेट से फोन किया, क्योंकि गेट के बाद लिफ्ट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उतने में ये क्योंकि घर के अंदर आके मैं इससे बात नहीं कर सकती, मतलब किसी से भी फोन पे बात नहीं कर, मतलब 15-20 मिनट इसी को देना है उस टाइम मुझे। तो इस वजह से मम्मी को बोला कि मम्मा मैं गेट पे पहुंच गई हूँ, तो बोला ठीक है। तो यही मेरा हाल है इसको लेके। ठीक है, अभी उसको देखेंगे, मतलब दूध को सुखाएंगे पूरा, और देखते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। तो देखिए ये मेरा लगभग हो ही गया दूध। पता है कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था, गैस को पूरा मतलब पूरा हाई फ्लेम में देके उस वाले रूम में जाके बैठ के मोबाइल देख रही हूँ। बेटी अचानक क्लास करके आई तो मैंने उनको बोली कि देखो तो तुम इसको थोड़ा सा हिला दो। बेटी बोले मम्मा स्मेल आ रहा है। मैं तो डर गई, लेकिन स्मेल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, उसके वजह से ये कुछ नहीं हुआ मेरा। तो अभी लगभग हो ही गया, अभी भी गैस ऑन है देखिए। इसको और थोड़ा सा नहीं, ऑन नहीं करेंगे, अभी बंद ही कर देंगे। हो ही गया, ये बन गया मेरा। एक्चुअली हम बेंगोलीज ना इसी को खीर बोलते हैं, और जिसको नॉन बेंगोली लोग खीर बोलते हैं उसको हम पायेश बोलते हैं। तो ये खीर बन गया, अभी इससे क्या बनाऊंगी अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन कुछ तो बनाना है। अभी मैं गैस को कर रही हूँ बंद, और ये मेरा दूध है जो बेटी खाएगी। हो गया, बन गया, इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम। अभी बज चुका है 12:20 हुआ है, 12:20। तो 12:20 में जो है, 20 में नहीं मतलब 15 में मम्मी पापा पहुंच गए स्टेशन। अभी स्टेशन से ऑटो करके जाएंगे, और मैं खा रही हूँ कूल, दिखा रही हूँ कैमरा मेरा पता नहीं कैसे हो रखा है अजीब सा। हाँ अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। और इसको देखिए जनाब को बैठा है, और वो देखिए मेरा खाली हो गया वो वाला चेयर, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था ना कि लोग ज़्यादा होने से होता है। तो मैं भी कूल खा रही हूँ, और मम्मी पापा का एक स्टोरी भी हुआ है मतलब ट्रेन में, वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन अभी जो है मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि सास चली गई है नहाने, आके करेगी पूजा। मैं फटाफट से कूल खा के पोछा लगा लेती हूँ, बाद में आती हूँ और कहानी बताने। तो अब आई हूँ मैं किचन में, किचन में आई तो हूँ, मतलब आई तो काफ़ी बार हूँ, लेकिन अभी आई खाना बनाने। ये मेरा कोको के लिए है ये, और मछली उसका आज है, दो मछली, एक पीस दो पीस, तो उसको मछली देंगे आज। और हमारे लिए जो बनेगा, तो मेरा पर्सनली पसंद था आज आलू बॉयल, और दाल को बॉयल करके प्याज से उसको खाएंगे, लेकिन मैंने सोचा ये लोग नहीं खाएंगे, इन लोगों के लिए कुछ बना देते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं, मेरे बेटी और सास ने भी बोले हैं कि हम भी वही खाएंगे। तो अभी देखिए ये बॉयल हो रहा है, और अब मैं पानी भी गर्म हो गया, इसको बॉयल हो करके रख के फिर जाएंगे नहाने, फिर आके कोको का खाना बनाएंगे, फिर कोको को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर आएंगे हम लोगों के पास कुछ अगर नया ताज़ा हो तो लेके आएंगे कि क्या कर रहे हैं पॉडर चक्रवर्ती। तो ठीक है, देखते रहिए मेरे चैनल को, स्किप मत कीजिएगा। ओ मम्मा का वो बर्तन तो बोलना है ना, अभी बोल पाएंगे क्या? कोको पीछे से चिल्ला रहा है, पता नहीं उसको क्या चाहिए। दो मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ मम्मा लोगों का बात, पहले थोड़ा सा बैठ लेते हैं। हाँ तो हुआ यूं है कि मम्मा लोगों का ट्रेन जो है शायद राइट में ही था, मतलब 12:15 पे, तो 12:15 पे इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो 12:15 पे ट्रेन जो है राइट ट्रेन था, लेकिन ट्रेन पहुँच गए बिफोर टाइम में। तो बिफोर टाइम में पहुंचे, मतलब एंड वाला स्टेशन जो है उधर बिफोर टाइम में शायद नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब फिर मतलब होता है ना कि वो भी खाली चाहिए होगा, कि मतलब जहाँ पे ट्रेन रुकता है प्लेटफॉर्म भी खाली चाहिए होगा, क्योंकि वहीं पे लास्ट स्टॉपेज है। तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने से कैसे ट्रेन रहेगा वहां पे, तो इसलिए जो है आगे की स्टेशन पे 45 मिनट, हाँ 45 मिनट शायद रुक गए थे ट्रेन। तो मम्मा पापा ऐसे ही बैठे हुए थे, फोन कर रहे, बोले आधा घंटे से रुके हुए, उसके 15 मिनट बाद जाके छोड़ा है ट्रेन, फिर जाके
लास्ट वाले स्टॉपेज में पहुंच गए। कोको को देखिए, उसको अभी उसके साथ खिला, अभी तक मेरे साथ बैठ के, हाँ क्या अब तक बैठ के मेरे साथ सो रहा था, मैं बैठी थी ये सो रहा था, अब जब से उठी हूँ पीछे 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 पड़ा हुआ है। अभी वो मतलब अभी जो है ना उसको उसको मछली का स्मेल बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे ख्याल से चिकन से भी उसको मछली ज्यादा पसंद। तो मेरी बेटी बोलती है ये म्याऊं पूछी थी क्या मम्मी पहले के जमाने, मतलब पहले के बर्थ में जब ये पिछले जन्म में ऐसे हम लोग बोलते है ना, तो मेरी बेटी बहुत बोलती है मम्मी ये ना डॉगी नहीं थे पिछले जन्म में, कैट था, इसीलिए ये ऐसा करता है, मतलब मछली होने से पागल हो जाए। लेकिन खाना खाने के टाइम में नहीं खाएगा, खाना खुद नहीं खाएगा कि मछली दे दो तो खुद खा जाएगा, ऐसा नहीं है। और मछली भी ज्यादा नहीं दे सकते हम इसको, क्योंकि मछली से फिर वो वॉर्म ज्यादा होता है ना पेट में, कीड़ा जो क्रीमी बोलते हैं, इसलिए हम उसको नहीं दे सकते, हफ्ते में एक बार ही दे सकते हैं। तो आज है वो वाला दिन जिस दिन हम इसको देंगे मछली। तो अभी जाते हैं, मतलब नहा के आती हूँ, बाल भी कैसा हो रखा है, शैम्पू करना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो परसों हो जाएगा, तो परसों आता है तो मेरा बाल जो है हो जाएगा। तो ठीक है अभी नहा के आते हैं। हो रहा है दूध बॉयल, यहाँ पर हो रहा है जैगरी, और यहाँ पर मम्मी बना रही है पीठा, जो कि है अभी टाइम है 3:00 PM, मम्मी बना रही है पीठा। दूध उबल ही गया है देखिए, लगभग इधर उधर गिरा है, उसको इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ को जो है ऐसे कर लिया है, और यहाँ पे है मेरा ये कोको का रात का खाना है। तो इसको हम यहाँ इसके ऊपर डाल देंगे, इसके अंदर एक एक करके, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, इसमें मेरा कुछ नया नहीं है। कोको कैसे सो रहा है देखिए आप लोग। Hey guys, good evening. अभी बज चुका है 5:07, बाकी है और मैं अब तक बेड में हूँ, मन ही नहीं हो रहा है बैठ के, मतलब इतना लेट सोए, पीठा वीठा बना के, ये भी है ना देखिए उस साइड में बैठा हुआ था। मैं थोड़ा उठ के इस साइड में आई इसको, और आप लोगों ने देखा ना कि कैसे सो रहा था ये मेरे पास। बॉल बोटी ना टोमेटो, घसेलो। तो अभी जाऊंगी चाय बनाने, चाय बना के चाय पीना भी है, हस्बैंड भी ऑफिस से जो है रवाना हो चुके हैं, आ जाएंगे कुछ ही टाइम में, एक आधे घंटे में। तो तब तक मैं उठ के फ्रेश होके, मतलब मुंह धो के थोड़ा सा फिर जो है इसको प्यार करते करते मेरा दिन चला जाता है, फिर जो है चाय बनाएंगे। और चाय के साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। और मेरा ड्रेस और मेरे जो पीछे पर्दा है उसका कलर एक ही हो गया है, कलर मतलब ग्रीन है वो, डार्क ये लाइट ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को, कोको को मैं इस हाथ से प्यार ही कर रही हूँ उसको, देखिए। तो चाय बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, आजकल ना चाय का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया मेरे मुझसे, मतलब मेरे ऊपर से, पता नहीं शायद वो स्टोमक में थोड़ा सा पेन हो रहा था ना कुछ दिन पहले से, तो इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इतना ठंड है आज यहाँ पे, काफ़ी ठंड है, इसीलिए सास भी बोल रही थी कि बहुत ठंड लग रहा है, मैं भी बोल रही हूँ बहुत ठंड लग रही है, अभी तक कंबल में ही हूँ, लेकिन चाय का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है मुझे लग रहा है। अभी तो सुबह भी मतलब फर्स्ट जो एक ऐसे ग्रीन टी वाला पीते हैं वही पी रहे हैं, और बाकी सब ग्रीन, मैं ग्रीन, मेरा ड्रेस ग्रीन, मतलब मैं ग्रीन नहीं सॉरी, मेरा ड्रेस ग्रीन, मेरे पीछे का पर्दा ग्रीन, चाय ग्रीन, सब ग्रीन 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 ग्रीन। तो पिए बस उसी से हो जाता है। अभी शाम भी देखिए 7:00 PM, 5 मिनट ही बाकी है अभी, फिर भी हम चाय नहीं पिए अभी तक, चाय का क्रेज भी नहीं है कि पीना ही है, कल तो मैंने चाय पी ही नहीं, इतना तबीयत खराब था मेरा, और मम्मी पापा को भी छोड़ने गए, तो हस्बैंड आज सुबह भी हस्बैंड को चाय बना के दिया मैंने एक कप, पता है, और मैंने एक सिप भी नहीं लिए, तो पता नहीं मेरे चाय पे किसकी नजर लग गई। तो चलिए अभी चलते हैं, नहीं तो और लेट हो जाएंगे बात करते करते, आते हैं बाद में। तो
गाइस ये है मेरा पीठा दूध पूरी। ये देखिए ये ऐसे ही बना है, ये थिकनेस ऐसी है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये है इसका ग्रेवी जो है, इसको हम ग्रेवी ही बोल सकते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी पसंद है, लेकिन थिक ग्रेवी है, पतला नहीं है बिल्कुल भी। यही बन गया मेरा खजूर गुड़ का खजूरेर गुड़ेर दूध पूरी। और यहाँ पे बन रहा है मेरा चाय जो लगभग बन ही गया है। और आज जो है इसको साफ करना था मुझे, देखिए कैसे ऑयल ऑयल हो गया है, इसलिए सब मतलब ये इधर है कागज़ से उसको साफ करना पड़ रहा है बीच बीच में। आज मैं साफ, देखिए कितना ऑयल, साफ करूंगी करके भी नहीं किया। तो गाइस आ गई मैं चाय लेके। दिखाने के चक्कर में ना गिर जाए इसके लिए थोड़ा सा धीरे धीरे दिखा रही थी। अभी हस्बैंड का कॉल आया, बोला कि रेडी होने के लिए, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। एक बिस्किट ले लेते हैं क्योंकि हमने खा लिया एक पीठा। कोको भी आ गया, उसको बिस्किट की तुमको तो दिया, ये वाला चाहिए, लो ये वाला बिस्किट खाना है, वो वाला नहीं खाना है, मेरी वाला वो भी खाता है। पीठा सही में टेस्टी बना। हाइट हस्बैंड आ गए, हाँ आ गए, बेटू चिल्ला रहा है। देखिए क्या करता है मेरा बेटू हस्बैंड आने से। क्या अच्छे बाबा, क्या अच्छे, बिचकूद बिचकूद लेस देखिए उसका। हेलो करो मेरे फ्रेंड से, हेलो करो। हेलो गाइस, अभी देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो हम हाँ लिया है, हस्बैंड ने पूछा मार्क्स लिया। तो हम थोड़ा सा निकल रहे हैं, थोड़ा सा काम है तो उसके लिए, तो दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं भी दिखा पाएंगे तो आके ज़रूर दिखाएंगे। तो थोड़ा सा आते हैं, अभी लगभग 8 बज चुका है तो इतना लेट ही निकल रहा है क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, तो वो ड्यूटी से आए उसके बाद ही निकल रहे हैं हम। तो गेट हाँ हो गया बंद, तो चलते हैं, मेरा सवारी रेडी। तो यहाँ पे हम जो है लेने आए हैं चश्मा, टाइटन आई का दुकान है नागर बाजार पे। तो यहाँ से हस्बैंड के लिए हमने लिए है चश्मा। ये बन रहा है मेरा डबल अंडे का ऑमलेट। देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों खाना खा रहे हैं, हस्बैंड भी नहीं आए, और कोको का खाना कंप्लीट, हस्बैंड आ गए बिना कपड़े की। और यहाँ बन रहा है ऑमलेट, हो गया मेरा ऑमलेट, अभी मैं भी खाऊंगी। खाना कंप्लीट हम लोगों का, अभी हम सोने जाएंगे। और हस्बैंड क्या खा रहे हो? पीठा। कैसा हुआ? बढ़िया बढ़िया हुआ बोला है। और तुम भी खाए ना, कैसा हुआ? नारियल का तेल, देखिए नारियल का तेल, मैंने उसको दूध को उबाल उबाल के आप लोगों को दिखाया ना, तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मम्मी लोगों ने नारू बना के गए थे, 2-3 नारू दे दिया उसमें। उसको नारू नहीं खाती है ना, इसलिए उसको नारियल का तेल। माँ कैमन हो चिलो पीठा टा, माँ कैमन हो चिलो? भालो हो चिलो, मतलब नारियल का लड्डू। लड्डू हाँ, तो वो मैंने 2 दे दिया। एक्चुअली ये नारियल देके ही होता है, लेकिन मैंने खीर देके बनाया है। खीर देके ही ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। पोको को देखिए मेरे पैर के ठीक सामने। तो अभी हम क्या कर रहे हो? ये कैप बनाया आपके ऊपर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक का है। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज गाइस जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट कीजिएगा। कल आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।